नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से सुधीर गुप्ता में। अभी देखिए, हम आए थे यहां नंदौर चौराहे के आगे, एक ग्राम पड़ता है भटौली ग्राम, और जैसा कि हमने बोला था आपको, गांव गांव जाके हम चुनावी चर्चा करने वाले, चुनावी सर्वे करने वाले हैं। आखिर संत कबीर नगर का जो ये त्रिकोणीय मुकाबला, ये किसके खाते में जाता हुआ दिख रहा है? तो अभी हम भटौली ग्राम में पहुँचे थे, नंदौर के आगे पड़ता है, तो यहाँ पे यहाँ के लोगों से जानते हैं यहाँ पे क्या रुख चल रहा है। आखिर मतदाता जो है वो किसके पाले में जाता हुआ नजर आ रहा है? यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे, शाम का टाइम है और शाम का टाइम इकट्ठे होकर चाय पे सब कुछ ना कुछ चर्चा ही कर रहे होंगे, शायद चुनाव के बारे में भी बात चल रही हो यहाँ पे। तो चाचा, यहाँ पे आप लोग बैठ के चुनाव के बारे में बात कर रहे होंगे? नहीं, है तो दूसरा मुद्दा था। अच्छा, दूसरा मुद्दा था। तो अभी हम जानना चाहते हैं आपसे कि संत कबीर नगर का जो माहौल है वो किस प्रकार से जा रहा है। माहौल के मुतालिक तो भाई त्रिकोणी ही सुन रहे हैं, और तो कोई दूसरी बात मालूम नहीं है। त्रिकोणी मुकाबला है, त्रिकोणी, जैसा कि इनका कहना है यहाँ पे त्रिकोणी मुकाबला। हम नंदौर चौराहे पे गए थे, वहाँ पर भी लोग यही बोल रहे थे कि त्रिकोणी मुकाबला। फिर भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि किसका वो रुख जाता हुआ ज़्यादा दिख रहा है। भाई उसके मुतालिक तो मैं नहीं बता पाऊँगा, आप बताएंगे? नहीं कुछ नहीं, हम चालू करो। तो इसी चौराहे पे कुछ और लोग मिल गए, इनसे भी इनका रुख जानते हैं, इनका राय जानने की कोशिश करते हैं। जैसा क्या माहौल अभी क्या चल रहा है यहाँ पे? यह मोदी माहौल है। तो मोदी माहौल है क्या? फिर से यहाँ पे बीजेपी जीतने वाली है? जीती है यहाँ से। कुछ लोग बोल रहे हैं यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला है, तो उसको लेके कुछ कहना है? कुछ ना, मोदी यहाँ जीती है। भालचंद यादव के आने से यहाँ पे कुछ नुकसान हो सकता है बीजेपी को या ना? ही नुकसान नहीं, नुकसान नहीं है यहाँ पे। आप क्या करते हैं यहाँ पे? सब्जी बेचते। ये देखिए सब्जी की दुकान लगाते हैं, तो इनसे भी जानने की कोशिश। ये आप यही गांव से हैं? इसी गांव से हैं? आपके गांव में क्या माहौल है? कुछ ऐसा क्या मोदी लहर फिर से चलने वाला है? हाँ मोदी। अच्छा मोदी लहर। हाँ लाल मोदी। और मोदी ही मोदी। ही मोदी, ठीक है। तो चाचा आप क्या करते हैं? किसानी। आप कहाँ जाते हुए दिख रहे हैं? कांग्रेस तो 72,000 रुपये दे रही है। अरे ये फूल पर मार रहा हूँ। क्या फूल पर? फूल पर, फूल पर। अच्छा तो सीधा बोले ना भाजपा। हाँ, मोदी। हाँ, अच्छा ठीक है। तो और लोग भी इनसे भी जानते हैं, तो हमारा काम है एक एक लोगों से मिलना और उस गांव के बारे में बताना कि आखिर क्या माहौल है, ठीक है? तो इसके बारे में चाचा कुछ। मोदी दिहल जाए बाबू। मोदी। हाँ मोदी, मोदी। हाँ मोदी, ठीक है मोदी। फिर से आप कुछ कहना चाहेंगे? हम तो कहना चाहते हैं हमारा गांव में बम्पर विकास और बम्पर सब कुछ, हर एक चीज़ की व्यवस्था मोदी हमारी कर रही हैं। जो मोदी जी हमारे एकदम बढ़िया नेता, अच्छे नेता हैं, जो कि हमारे हम लोगों के भारतवासी के विषय में हमेशा सोचते हैं। अरे राहुल पप्पू जी क्या कर लेंगे यहाँ पे आके? और ये पुराने अभी थे, पुराने थे, सांसद से कुछ शिकायत नहीं? पुराने सांसद जो शरद त्रिपाठी थे उनसे कुछ शिकायत नहीं? उनसे तो भी कोई शिकायत नहीं है, ना हमारे बघेल जी को भी कोई शिकायत नहीं की है आज तक। जो भी नेता थे हमारे बीजेपी के सब अच्छे थे। मतलब मोदी मोदी मोदी। हाँ ठीक है।